हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुरबे पहाड़ी ब्लॉग में। मैं हूँ प्रीति देवी। तो दोस्तों, आज है संडे और टाइम हो चुका है 9:30। और जैसा कि आपको बताया कि संडे को मैं लेट ही उठती हूँ, क्योंकि संडे को आज हस्बैंड का ऑफ है। तो आज नाश्ते में बनाया है मैंने करेले के पकौड़े। तो जिस टाइम मैं पकोड़े बना रही थी, तो उस समय मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि जो ये पकोड़े होते हैं नॉर्मल तरीके से बनते हैं, उनकी रेसिपी लगभग बनी है, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो देखिए, इस तरह से मेरे पकोड़े बन के तैयार हुए हैं और अभी इसे खाएंगे चाय से। तो चलिए, पानी पूरी तो मैंने भर दिया है। आज दिन का खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि सोए पकौड़े बनाए थे ना, उसको खा के पेट बिल्कुल भर चुका है, खाने का मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी हस्बैंड सोए हैं, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करके आए थे और सो रखे हैं, तो मुझे लगता है कि अब उठेंगे वो, कोई फ़ायदा नहीं उठा के। कल परसों दो दिन मैंने बनाया तो वो उठे नहीं खाने के लिए, डायरेक्ट उन्होंने रात को खाया। जब वो लूट गए उस टाइम खा के गए, तो सोचती हूँ आज नहीं बनाती हूँ, बाद में देखूँगी कुछ ऐसे ब्रांड बना लूँगी, मैगी माइक्रोवेव वगैरह। तो चलिए, अब धोती हूँ मैं कपड़े। डाल दिए दोस्तों कपड़े, क्योंकि ये है और हवा हो रही है अभी इस टाइम तक, कोई लेट बज चुका है लेकिन हवा अच्छी हो रही है। चलिए दिखाती हूँ आपको। देखो इतने सारे कपड़े लगे हैं, चारों तरफ आपको गमले करके दिखाई देंगे। दिखाती हूँ आपको सारे गमले, क्या क्या लगाए गमलों में और यहाँ कमरे में। ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ का व्यू। इस साइड काफ़ी बस्ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। ये देखो, इतने सारे गमले लगाए हैं भाभी ने इस तरह से। तो ये जो कि इसमें है, ये पुदीना, ये लकड़ी की कोई पेटी होगी पहले की, तो इसमें लगाया भाभी ने पुदीना। और ये है यहाँ पे पिंडालू और हल्दी भी है शायद से इसमें, कंटर के बनाए हैं गमले। और ये भिंडी देखो इस तरह से, इसमें भी ये भिंडी लगाई है और इसमें पिंडालू, ये भी पिंडालू, ये भी खाली है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। और ये भी भिंडी, ये देखिए, ये कोई प्लांट है, पौधा है। ये भिंडी, हल्दी के इस तरीके से इतने सारे गमले लगे हैं, यही सारे गमले लगाए हैं भाभी ने चारों तरफ से। और ये देखिए, ये बनाया है अभी ने यहाँ पे अचार बना के रखा है, जो कि धूप में सुखाने के लिए रखा है। और ये है टाइगर पेड़ है अमरूद का शायद, हाँ। यहाँ पे तुलसी, और ये है यहाँ पे फ्लावर। वाओ, कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो ये है इस तरह का व्यू,
आसमान में देखो कितने घने घने बादल छाए हैं। वाओ, सो नाइस। तो ये है दोस्तों यहाँ का व्यू, काफ़ी अच्छा है, छत भी अच्छा है, वैसे काफ़ी अच्छी हवा चलती है, तो देख लिया आप ही मेरे चारों तरफ का व्यू रहता है। और तो आप लोगों ने तो खाना भी यहाँ खा लिया होगा क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब तो काफ़ी ज़्यादा क्या मतलब 1:30 बज चुका है, खाया बन ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं नीचे और उसके बाद मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद फिर देखती हूँ हस्बैंड उठते हैं या नहीं उठते हैं, उठेंगे तो बनाओगे, नहीं उठेंगे तो फिर देखते हैं क्या करते हैं, है ना। चलिए चलते हैं नीचे। सीढ़ी इतनी खड़ी सीढ़ी है दोस्तों कि मैं गिर जाऊँगी तो पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए दोस्तों, नहा चुकी हूँ मैं, अभी नहाई हूँ मैं, तो खाना तो आज दिन में बनाया नहीं और टाइम हो गया 4 बज चुका है लेकिन खाना बनाया नहीं। और देखिए हिचकी मुझे अभी तक आई है, एकदम लगा तो 1 बजे से स्टार्ट है मुझे और अभी तक मुझे हिचकी आ ही रही है, इतना ज़्यादा मुझे कोई याद कर रहा है आज। तो बनाते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा बनाते हैं दोस्तों माइक्रोनी, हस्बैंड तो अभी तक उठे नहीं है, मतलब लगा तो सुबह ही सोए हैं अभी तक उठे नहीं है, तो अब मैं सीधे माइक्रोनी बनाती हूँ, खाना बनाने कोई फायदा नहीं। तो बनाते हैं दोस्तों माइक्रोनी, और माइक्रोनी तो चलिए मिलते हैं आपको सीधे माइक्रोनी बनाने के बाद, ठीक है। तो अभी तो आपका अब चाय पी रहे हैं, चाय टाइम हो गया, तो चाय भी पी लिया, सभी ने 4:30 हो गया है ना। तो हम लोगों तो आज खाना भी, हालांकि मैंने दिन के लिए छोले लाए थे लेकिन बनाए नहीं, सो ये तो बनाते क्या थे, अब मैं रात को छोले बनाऊंगी आज, वो काफली छोले होते हैं ना, काफली चले वो बनाएंगे। तो अभी लेते हैं माइक्रोवेव का मज़ा, आप लोगों को खाना है तो आप भी आ जाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों सीधे माइक्रोनी बनाने के बाद, ओके। तो ये देखिए दोस्तों मेरी माइक्रोनी बनके तैयार हो चुकी है और अब हम खाएंगे माइक्रोनी। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधे माइक्रोनी खाने के बाद। अभी बाहर का मौसम दोस्तों काफ़ी अच्छा हो रहा है, अभी है ना बारिश, आसमान में खूब सारे बादल छाए हैं घने घने, और अच्छा मौसम हो रहा है। उसके साथ लेते हैं इस माइक्रोनी का मज़ा बालकनी में बैठ के, बताते हैं आपको किसी भी माइक्रोनी, ठीक है। बहुत बढ़िया हो गया, तो दोस्तों मिलते हैं आपको थोड़ी देर। तो दोस्तों अभी हम अपने छत के ऊपर और देखिए छत में काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, अभी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश होने वाली है लेकिन अभी हुई नहीं है, तो सभी लोग अपने छत में आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं मौसम का, अच्छा मौसम हो रहा है। और मैं आई हूँ जी कपड़े निकालने क्योंकि मैंने दिन में धोए थे और वो सूख चुके हैं। तो आप लोग बताइए आप लोगों के यहाँ भी मौसम अच्छा ही हो रहा होगा, आजकल सभी जगह बारिश हो रही है वैसे, है ना। लगता है थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, देखो वहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना। तो दोस्तों अभी लेके आए हैं ये कोल्ड ड्रिंक, तो चलिए पीते हैं इसे, ये दो ग्लास ये लो भाई, ये पतिदेव का जो भी साइड बैठे हैं, और ये नए पीते हैं इसका मज़ा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों, मुंह में इतने ज़्यादा छाले हो रहे हैं गर्मी के मारे कि कुछ खाया नहीं जा रहा है, हम तो इसलिए इस कोल्ड ड्रिंक का मज़ा लेते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको इसके बाद सीधे।
तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है 8:30। तो अभी आई हूँ मैं छत से। आज काफ़ी टाइम तक छत पे रहे, लगभग मतलब लगा लो आप 2-2.5 घंटे हम छत पे बैठे रहे। छत पे हमारी मैं और जो भाभी है नीचे हमारी। तो अभी आई हूँ मैं नीचे और कपड़े लाए हैं मैंने छत से, इनको तय करती हूँ। और अभी चढ़ाए हैं मैंने छोले, तो आज मैं खाने में बनाऊँगी छोले और चावल रात को। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ओके। ठीक है दोस्तों, और यदि कोई भी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना।